आज की इस वर्चुअल रैली में मंच पर आसीन छत्तीसगढ़ प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदेव साई जी, आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैरव विचार नेताम जी, माननीय धर्मलाल कौशिक जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माननीय अनिल जैन जी, मेरी आवाज सुन रहे समस्त मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, वैश्विक महामारी इस नई बीमारी के शब्द से हम सब परिचित हुए और हमने एक नई कार्य पद्धति का विकास किया। आज दिल्ली से हमारे प्रमुख वक्ता हमें संबोधित करेंगे। जब प्रमुख वक्ता हमें संबोधित करेंगे, हम छत्तीसगढ़ प्रदेश में बैठकर हमारे तमाम कार्यकर्ता उसे सुन रहे हैं। इस नई कार्य पद्धति का विकास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हम सभी के नेता, विश्व के सक्षम नेतृत्व देने वाले हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य पद्धति का विकास किया है। जिस समय इस बीमारी का आगमन हुआ, पूरा विश्व थम गया और जिस समय ये विश्व थमा, लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि भारत में भी ऐसी कार्य पद्धति के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़े, हमारे कुशल नेतृत्व ने एक दूरदृष्टि के साथ में किसी भी दिन, किसी एक दिन भी हमें छुट्टी नहीं मिली। प्रतिदिन काम हुआ, संगठन का कार्य हुआ, सरकार का काम हुआ, सत्ता का काम हुआ। और मैं आज इस विषय को जरूर स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूँ, इसके पहले की जितनी भी सरकारें रही, ये सरकारें 5 साल के बाद अपने काम का हिसाब किताब देने के लिए जनता के बीच में जाती थी। जब चुनाव होते थे तो हमने 5 सालों में क्या किया, अगर इस प्रक्रिया की शुरुआत की तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछले 5 साल 2014 से 2019 तक का जो चुनाव हुआ, उस 5 साल में हमारी सरकार ने हर साल, हर वर्ष हमने क्या काम किया है, इसका लेखा जोखा दिया। ये एक इतिहास है और इस इतिहास के कारण हम सब जनता के बीच में ईमानदारी के साथ हमने जो काम किया है उस पर हम अपना लेखा जोखा देते हैं। जनता का निर्णय शिरोधार्य होता है। जनता ने इसी निर्णय के कारण 303 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के से बहुत ज्यादा बहुमत देकर दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। बंधुओं, आज हमारे प्रमुख वक्ता 2014 से लेकर 2018 के बाद जो हमारे एक वर्ष का काम रहा है, उसका लेखा जोखा आपके बीच में रखने वाले हैं। हमारी सरकार ने क्या काम किया, इस वैश्विक महामारी के समय पर क्या काम हुए और इस वैश्विक महामारी से हमारी सरकार किस प्रकार से निपटी है और किस कुशलता से भारत को इस वैश्विक महामारी से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, उस पर अपना उद्बोधन देने वाले हैं। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूँ, जब 2014 की शुरुआत हुई, 2014 के शुरुआत में उसके पहले की जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, घोटाले पे घोटाले थे। हर संसदीय सत्र में एक न एक मंत्री की बलि जरूर होती थी, वो मंत्री भ्रष्टाचार के आलोप पर इस्तीफा देने के लिए मजबूर होते थे। ये पहले की सरकारें थी, लेकिन हमारी सरकार ने 2014 से 18 तक के जो काम किए, उसमें प्रमुख काम था एक स्वच्छता का और हमारा शौचालय बनाने का। कांग्रेस के एक तात्कालिक उस समय के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, हम आपको प्रधानमंत्री शौचालय बनाने के लिए नहीं बनाए हैं, विकास की अपेक्षा है, ये विकास की अपेक्षा। लेकिन आज मैं कभी जब विचार करती हूँ, बैठती हूँ और सोचती हूँ, तो सोचती हूँ कि अगर स्वच्छता का विषय देश के प्रधानमंत्री ने नहीं उठाया होता तो
तो क्या होता? अगर आज शौचालय नहीं बने होते तो हमारे देश की परिस्थिति क्या होती? इस वैश्विक महामारी के समय हम कहां खड़े होते? वो दूरदृष्टि आज हमें कितना लाभ देती है। एक सबल नेतृत्व, एक सक्षम नेतृत्व, दूरदृष्टि का नेतृत्व किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाता है, ये उसका प्रमाण है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर केवल एक कंकड़ फेंक दीजिए तो लहरें हाथों में गिनी जा सकती हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में ये कहना चाहती हूँ कि ये सरकार भी ऐसी सरकार है, इनके नेता को कुछ विषय समझ में नहीं आता है और कांग्रेस के नेता का न अध्ययन है, न मनन है, न चिंतन है। जिन विषयों पर जिस प्रकार से कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी उसी पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रही है, आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में फेसबुक पर आक्षेप होता है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन रह जाते हैं, चुप रह जाते हैं। अगर हमारा कार्यकर्ता FIR कराने जाता है तो उसकी FIR नहीं लिखी जाती है, लेकिन अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के क्रियाकलाप पर अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिप्पणी करता है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर यह सरकार प्रश्न चिन्ह लगाती है, उस पर FIR हो जाती है। आज ये देश की प्रदेश की परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो हालात 18 माह में इस सरकार ने किया है, गंगा जल की कसम खाने वाली ये सरकार जिसने कहा था कि हम शराब बंदी करेंगे, आज अगर सरकार चल रही है तो शराब के ठेके के पैसों से चल रही है। अगर आज सरकार चल रही है तो रेत का जो ठेका हो रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लिया है, उनके कारण चल रही है। ये सरकार आखिर खड़ी कहां पर है? अगर पीछे पलट कर देखिए तो 18 माह का कार्यकाल ऐसा कार्यकाल है कि हर दिन अगर हम एक पत्थर फेंकें तो केवल लहरें गिनने की हालात है और लहरें इतनी है कि हम गिन नहीं सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाते हैं, धमकाते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ और ये अंतिम बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई आंख नहीं दिखा सकता। हम तो विपक्ष में ही पलने के आदी हैं और विपक्ष में ही हम पले हैं। 15 साल हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में सरकार रही है, लेकिन आज इस बात को हम चुनौती के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हमारे कार्यकर्ता को अगर सरकार ने आग दिखाने की कोशिश की तो वो सरकार पिछला कार्यकाल याद कर ले जब हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। हमने प्रदेश की इमारत से केवल एक ईंट निकाली थी और उस इमारत से एक ईंट निकालते हुए वो इमारत भरभरा कर गिर गई थी। कांग्रेस वापस 15 साल तक इंतजार की है और 15 साल के बाद भी किस परिस्थिति में आई है वो परिस्थितियां प्रदेश की सरकार को पता होगा। इसलिए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की परीक्षा न लें, चुनौती स्वीकार करें। हम चुनौती को देते हुए आज मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि आज हम सब अपने नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।